दरभंगा जिला में हायाघाट प्रखंड के पतोर थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय एक बच्ची की हत्या बीते दिनों कर दी गई थी, जिसके बाद गांव वालों का भयंकर आक्रोश पुलिस व आरोपी के खिलाफ टूटा था। अब इस मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने सिपहसालारों एवं जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के साथ उप गाँव पहुँच कर पीड़ित परिवार से घटना की पूरी सच्चाई जानी और मौके से ही आईजी को फोन कर निष्पक्ष जाँच की मांग की। इसके साथ ही मृतक के परिवार को 20,000 की सहायता राशि भी दी गयी। उसके हाथ तोड़े हैं, उसके फांसी है, उसकी 6 साल की बच्ची है, 6 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, 9 क्लास में, बगल में उनको पासवान की बच्ची है, बगल में फुसला करके उनको, बगल में कोई दबंग भी है, ले गए बहनों का खजा। जब सर हम के लिए 7 बजे खबर कर ला तो 9:30 बजे वहाँ पहुँचे, कहीं से केस सीटे पला। जब अवधेश बाबू मगा की कहे, अरे क्या हो गया, कोई अथी हो गया, मर गया है सर। मेडिकल रिपोर्ट में भी सर पैसा लेकर डॉक्टर के पैसा कहीं नहीं चल रहा है, एसपी साहब तक भी निकल है सर, पूरा प्रसाद है। जब मुखिया सरपंच आए तक एक बार भी गांव में नहीं ले जाए, हमारा घर में घटना भी लेते बड़का जी जाके देखिएगा। उसके बाद थाना में बैठ के 6 बजे से वो मैनेज कर रहा है बैठ के सर, मुखिया सरपंच विजय जालिया वाला बाग की घटना, घर ढुक ढुक के महिलाओं को इस बेतरीके से पीटना, कपड़ा लता सब खुल खा दी, नंगा कर दिया गया बेटी माँ औरत को, मारेंगे बेटी के न्याय के लिए लड़ेंगे और इस जालिया वाला भाग के क्रूरतम व्यवस्था के लिए खिलाफ लड़ेंगे। आज ही डीजी तक मिलेंगे और सरकार से एसआईटी की जांच की मांग करेंगे। नई एसआईटी की जांच हुई तो फिर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। मिले हुए हैं पैसे लेकर के इसको रफा दफा करने की कोशिश की गई है और अभी तक इस मामले में न्याय की कोई बात नहीं की गई। इस परिवार को हमारे अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान जी के द्वारा इन्होंने कहा कि उस परिवार की मदद आर्थिक मदद की जा रही है, लेकिन यदि 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग दरभंगा में न्याय के लिए मार्च भी निकालेंगे और पूरे बिहार में इस सवाल को लेकर मार्च निकालेंगे और इस लड़ाई की अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरा समाज से मैंने कह दिया है इसमें कोई भी ना तो दलित ना गैर कोई जाति, बेटी मेरी बेटी।